इस विवाह में बहुत विघ्न है। पंडित जी ऐसा मत कहिए, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। ये तो सिर्फ प्रश्न कुंडली है ना पंडित जी, अगर ये सेम प्रश्न मैं आपसे कल पूछूंगी तो कुंडली बदल जाएगी क्या? पंडित जी प्लीज प्लीज, वी और मैं, आई एम सॉरी, वनराज और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पंडित जी, और हम शादी करना चाहते हैं। प्लीज कोई अच्छा मुहूर्त देकर बता दीजिए ना प्लीज। बेटा मैं चेहरा देखकर मन पढ़ लेता हूँ, और इसका चेहरा देखकर साफ प्रतीत होता है कि इसका मन बहुत विचलित है, विवाह को लेकर बहुत असमंजस में है। समय के साथ साथ ये और विपरीत होता जाएगा, हो सकता है कि इसके मन से शादी का ख्याल ही हट जाए, और आप शादी की तारीख निकाल भी लेंगी तो भी शादी में बहुत विघ्न है बेटा। तो पंडित जी मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बताइए मैं क्या करूं? अब कोई पूजा, कोई हवन, कुछ भी जिससे ये शादी जल्द से जल्द हो जाए बस। इसमें समय जाएगा बेटा, और तुम दोनों के पास समय है नहीं। कोशिश करो कि ये विवाह जल्द से जल्द हो जाए, वरना विलंब इस विवाह को हमेशा हमेशा के लिए टाल सकता है। नहीं होगा, नहीं होगा, सॉरी मम्मी, आई नो कि आप अपसेट होंगी कि मैंने बिना फाइट किए हार मान ली, पर मुझसे नहीं होगा। समर, तुम्हारे लिए फोन है। मम्मी, इट्स ओके बेटा, तुम बात नहीं करना चाहते, आई अंडरस्टैंड। समर प्लीज, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम फोन मत काटना प्लीज। तुम्हारी मम्मी यहाँ ठीक है? नंदिनी बता रही थी कि तुम हमारे डिवोर्स को लेकर बहुत परेशान हो। समर, आई नो कि तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है, पर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी माँ को जितनी अच्छी तरह तुम जानते हो उतनी अच्छी तरह मैं भी नहीं जानता, और तुम्हें ये जानना चाहिए कि वो कितनी मैच्योर और स्ट्रांग है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो अकेली नहीं है, तुम उसके साथ हो। बिल्कुल बात नहीं करोगे, इतना बुरा हूं मैं, बुरा ही सही पर बाप हूं यार। इसलिए तो आपसे नाराज हूं मिस्टर शाह, कोई और मेरी मम्मी को दर्द देता तो शायद मैं उसे माफ भी कर देता, लेकिन आप, अरे उनकी खुशी, उनकी स्माइल, उनकी सारी जिंदगी सब आपकी जिम्मेदारी थी मिस्टर शाह, और आपने निकल जाओ मेरे घर से। याद है अनुपमा, तुम्हें कैसे पैनिक अटैक्स आते थे, कैसे तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे? आपने जो मेरी मम्मी के साथ किया है ना, उसके लिए जो नफरत है वो बहुत कम है मिस्टर शाह। आपने कितने आसानी से कह दिया ना, वो स्ट्रांग है, वो मैच्योर है, शी विल बी फाइन। क्यों? क्यों स्ट्रांग और मैच्योर लोगों को दर्द नहीं होता, उन्हें तकलीफ नहीं होती? जस्ट बिकॉज मेरी मम्मी समझदार है, वो सब कुछ चुपचाप सहती जाए। आपके लिए ये डिवोर्स सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी है मिस्टर शाह, आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा, ना नाम ना पता। आप जहां रहते डिवोर्स के बाद भी वहीं रहेंगे, आप आज मिस्टर वनराज शाह, डिवोर्स के बाद भी मिस्टर वनराज शाह ही रहेंगे, पर मेरी मम्मी की जिंदगी में तो सब कुछ बदल जाएगा, उनकी जिंदगी से सब कुछ छिन जाएगा। वो सारी चीजें जो आज उनकी है डिवोर्स के बाद, वो सारी चीजें पराई हो जाएगी, और ये सब किसके वजह से? आपके वजह से मिस्टर वनराज शाह। आप जो कह रहे हैं ना, ये गलती है, ये गलती नहीं थी, ये धोखा था मिस्टर शाह, और दुनिया की कोई भी औरत धोखा डिजर्व नहीं करती, और मेरी मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं। Why did you cheat on her? Why? आपको इस दुनिया की सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए मिस्टर शाह, सबसे बड़ी सजा। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी सजा मिल चुकी है समर, एक बाप के लिए इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है कि उसकी अपनी औलाद उसे बाप कहने से मना कर दे। तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि आज 1 बजे तुम्हारा कॉम्पिटिशन है, और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, इरादा बदल दिया? आपको क्या मतलब? मुझे नहीं, पर तुम्हारी माँ को जरूर है। तुम मुझसे नफरत करते हो फाइन, बट तुम अपनी माँ को किस बात की सजा दे रहे हो?
वो दिन रात तुम्हारी जीत के लिए प्रार्थना कर रही है। उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा, जिसे वो हीरो समझती है, लूजर निकला। मैं तुम्हें लूजर समझता था समर, पर आज ऐसी हरकत करके तुम मुझे सही और अपनी मां को गलत साबित कर रहे हो। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हारी मां को लेट डाउन किया, पर अब तुम क्या कर रहे हो? एक तरफ तुम्हारी मां जो कभी हार नहीं मानती, और दूसरी तरफ तुम उसका बेटा जिसने फौरन गिव अप कर दिया। अगर मैं अच्छा पति नहीं बन पाया तो तुम भी अच्छे बेटे नहीं हो समर, और अगर हो तो साबित करो, अपने बाप को गलत प्रूफ करो। मेक योर मॉम प्राउड, कम ऑन। आई नो यू कैन डू इट समर, क्योंकि तुम अपनी मां के बेटे हो, राइट? ऑल द बेस्ट बेटा, मेक अस ऑल प्राउड। I knew it, भी अपना माइंड बदल रहा है, इसीलिए वो डिवोर्स को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। और ऊपर से डिवोर्स से पहले वो अनुपमा और पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। और ऑन टॉप ऑफ दैट, इस वक्त वी और अनुपमा अकेले रिसॉर्ट में। नो, कहीं वी सच में अपना माइंड तो नहीं बदल रहा है? और कितना टॉर्चर करेंगे आप मुझे? मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है, शादीशुदा होकर एक शादीशुदा आदमी से प्यार किया मैंने, मगर भगवान, प्यार करना इतना बड़ा पाप है क्या? अपने बारे में सोचना, अपनी खुशियां ढूंढना, क्या ये इतनी बड़ी गलती है? सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, सब लोग मुझे कोस रहे हैं, मुझे जज कर रहे हैं, मगर आप तो भगवान है ना, आप क्यों मुझे जज कर रहे हैं? क्यों मुझे सजा दे रहे हो? और कब तक? बस अब बस, प्लीज प्लीज मेरे वी को मुझे दे दीजिए। मैंने वी के लिए बहुत इंतजार किया है भगवान, बहुत। अब मेरे अंदर और ताकत नहीं है, और पेशेंस भी नहीं है अब मुझ में। कोई बात? मिस्टर शाह ने एक बात बिल्कुल सही कही है, मैं अपने मम्मी का बेटा हूं, वो मम्मी जो कभी भी गिव अप नहीं करती, तो मैं भी हार नहीं मान सकता हूं। आई विल फाइट। तू टेंशन मत ले, टेंशन बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और तू आराम कर, लेट जा, इसे अंगूर खिला, और आज से तेरा पपाया खाना बंद। क्यों? क्योंकि पपाया प्रेगनेंसी में नहीं खाते। हाँ। तूने फिर से फोन उठाया? जब देखो तो फोन। बा, मैं रिपोर्ट चेक कर रही हूँ कि मेल आया है कि नहीं। ओहो, वो लोग मेल करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा ना बेटा। मॉम, प्लीज कॉल देम एंड आस्क ना, मैं आई कांट वेट। अरे करती हूँ। भगवान करे कि खुश खबर हो। अगर खुश खबर होगी तो मैं मंदिर में जाके देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। मैं भी आऊंगी आपके साथ। कोई जरूरत नहीं है। अरे तुझे लेकर जाऊंगी तो भगवान कहेंगे ये किसको लेकर आई। ओहो बा, चल अच्छा, तेरी ना नजर उतारती हूँ, ऐसे वक्त में नजर बहुत जल्दी से लगती है। आजा, तुझे सिखाती हूँ नजर कैसे जलाते हैं। You rest, I'm coming, okay? I was just about to call you. पर किया तो नहीं ना? अरे बेबी, इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग जस्ट अभी खत्म हुई है। एनीवे, हाउ आर यू? मैं ठीक नहीं हूं तोशु। क्यों, क्या हुआ है? तुम पास नहीं हो ना? ओह रियली? यू मिस मी सो मच। आई मिस यू टू बेबी। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। यू रिमेम्बर हमारा एक फ्रेंड है स्वप्निल, जिसकी हमसे एक महीने पहले शादी हुई थी? हाँ। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। कैन यू इमेजिन? आई मीन दोनों के अभी तक ढंग से जॉब नहीं लगी है, और दोनों ने बेबी प्लान कर लिया। इज़न्ट दैट रिडिकुलस? एंड आई हेट सच पीपल, जो लोग अपना फैमिली, अपना बिजनेस ढंग से प्लान नहीं करते हैं। एनीवे, मैं आज रात की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। आई कांट वेट टू सी यू। ओके, बाय बेबी। बाय।
थैंक्स टू मिसेस दवे जो वहां पर फोन अरेंज करवा दिया। अच्छा सुन, तू कैसा है? और कॉम्पिटिशन को लेकर सारी तैयारियां हो गई? घबराहट तो नहीं हो रही ना? क्यों होगी, आपका बेटा हूँ मैं, किसी से नहीं डरता, बस बीच में इरादा बदल गया था। फिर मिस्टर शाह ने लेक्चर दिया और मुझे मोटिवेट किया। इन्होंने तुझसे बात की? हाँ, कुछ वक्त लिए भूल गया था कि बेटे के सिर्फ हक नहीं होते, फर्ज भी होते हैं। फिर मिस्टर शाह ने याद दिला दिया। मम्मी आई प्रॉमिस, मैं आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करूंगा, मैं आपका अच्छा वाला बेटा बनूंगा, वो बेटा जिसे देखकर आप प्राउड फील करो। तू तो मेरा सबसे अच्छा बेटा, मेरे जन्म के सारे अच्छे कर्मों का फल तू ही हो। अच्छा मम्मी, कंपटीशन शुरू होने वाला है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आई बैडली नीड इट। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, हमेशा हमेशा हर पल तेरे साथ है। जा, वो तो क्या कहता है, स्टेज पे आग लगा दे, आग। All the best ना बेटा, all the best। Thank you mommy। Thank you तुझे भी बेटा। तू मेरे साथ है ना, तो मैं हर लड़ाई लड़ भी सकती हूँ और जीत भी सकती हूँ, बस तू मेरे साथ है। हम जीतेंगे मम्मी, हम लाइफ की हर लड़ाई जीतेंगे। तुम दोनों का विवाह का कोई योग नहीं बनता, इसका मन बहुत विचलित है, विवाह को लेकर बहुत असमंजस में है, हो सकता है कि इसके मन से शादी का ख्याल ही हट जाए। दूसरी औरत हूं मगर गलत नहीं हूं, मैंने वी से प्यार किया, सच्चा प्यार, और मैं अपने प्यार को हासिल करके ही रहूंगी, भले और कुछ ना सही। मैंने अनुपमा से इतना तो सीखा है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आई वॉन्ट गिव अप। फीलिंग बेटर? थैंक्स नंदू, आई डोंट वॉन्ट टू अग्री, बट मिस्टर शाह से बात करने के बाद मुझे सच में बेटर फील हो रहा है। थैंक यू, आई गेस आई रियली नीडेड दैट। यू आर वेलकम। नाउ नो मोर इमोशनल टॉक्स, फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस। कब जीत के आना ना, और वैसे भी आज शाम को हमें घर वापस जाना है, घर पर सब तुम्हारा और ट्रॉफी का वेट कर रहे हैं। डोंट वरी, डिनर हम घर पर ही करेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।